नमस्कार, मैं पलक जैन और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं देश की टॉप 10 खबरों का। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने पीएम नरेंद्र मोदी को गले लगाकर गुयाना में किया स्वागत, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। आपको बता दें, यात्रा के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और गुयाना की संसद की विशेष बैठक को संबोधित भी करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार अजित पवार ने वोट डालने के बाद दिया बयान, कहा लोकसभा के चुनाव के समय भी हमारा ही परिवार के दो लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, इस बार भी ऐसा ही हुआ है, मुझे विश्वास है कि बारामती के लोग मुझे ही जीत दिलाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। झारखंड में 81 में से बची हुई 38 सीटों पर हो रहा मतदान, वहीं महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान। दिल्ली में लगातार दिख रहा जहरीली हवा का खौफनाक मंजर, पांचवें दिन भी AQI रहा 400 पार। प्रदूषण के चलते छाई धुंध से कई इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर रही। ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में दो दिवसीय G20 समिट का हुआ समापन, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर 5 साल बाद विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर बनी सहमति। हरियाणा में प्रदूषण के चलते कई जिलों में छाया घना कोहरा, धुंध और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने 13 जिलों में 12वीं और 5वीं तक के स्टूडेंट्स को दी छुट्टियां। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया, दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। मणिपुर की इम्फाल घाटी के 3 जिलों को कर्फ्यू में दी गई ढील, सरकार ने ब्रॉडबैंड सेवाओं पर से 3 दिन बाद सशर्त रूप से प्रतिबंध हटाया, हालांकि मोबाइल इंटरनेट और लोगों के धरने प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मणिपुर संकट में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, खड़गे ने शांति बहाल करने में विफल रहने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की आलोचना की, इसके साथ ही 18 महीने से क्षेत्र में बढ़ती हिंसा और विस्थापन पर प्रकाश डाला। जयपुर देहरादून की इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट का 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक इंजन फेल हो गया, फ्लाइट में 70 पैसेंजर सवार थे, प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट पर करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग, खराब इंजन के चलते करीब 30 मिनट हवा में रहा प्लेन। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़ रही है हमारे साथ।